दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा पर जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे लगता था कि हमारा सूरज ही ब्रह्मांड का इकलौता और सबसे बड़ा स्टार है। अब वही बचपन में तो हम सभी बेवकूफ ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे मुझे पता चला कि ब्रह्मांड में सूरज के अलावा भी और भी अनगिनत तारे एग्जिस्ट करते हैं, और इन अनगिनत तारों में से कोई अगर सबसे बड़ा खलीफा है तो वो है स्टीफनसन 218, जिसकी रेडियस हमारे सूरज से 2150 गुना ज्यादा है। अब मुझे पता है कि नंबर्स में भले ही आपको ये संख्या पेचीदा लग रही हो, पर हमारे सूरज से ये कितना बड़ा है इस बात को इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। अब हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति है, और हमारे ब्रह्मांड में अब तक का पाया गया सबसे बड़ा तारा धरती से 19,570 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद स्टीफनसन 218 है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस अनंत ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी कौन सी है, तो आप में से शायद ही किसी के पास इस बात का जवाब होगा, और जिसके पास होगा भी वो अपने जवाब के रूप में नाम लेगा IC 1101 का। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपको बताऊं कि अब यह नाम अपनी खोज से कई सदियों बाद हट चुका है, और हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी गैलेक्सी को खोजा है जिसका आकार IC 1101 से भी कई गुना बड़ा है, और वह भी इतना ज्यादा कि वैज्ञानिकों को तो यह यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिर ऐसी कोई गैलेक्सी एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। आखिर क्यों वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की नई सबसे बड़ी आकाशगंगा आंखों का धोखा लगती है, और ऐसा क्या माजरा है जो इस आकाशगंगा को इतना रहस्यमयी बनाए हुए है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए जानते हैं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा के बारे में। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 250 साल पहले 18वीं शताब्दी से, जब मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का क्रेज हर किसी के दिमाग में घर कर रहा था। तो लगभग हर कोई अपने अपनी छत पर हर रात बैठकर किसी न किसी नए तारे को अपनी खोज के रूप में दुनिया भर को बता रहा था। ऐसे ही एक दिन रोज की तरह जब 19 जून 1790 की रात को मशहूर ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल दिनचर्या के चलते आसमान में अंतरिक्ष की ओर देख रहे थे, तो उन्हें धरती से 1 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक बेहद ही विशालकाय आकाशगंगा मिली, जिसकी खोज ने उनके एस्ट्रोनॉमी करियर को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। अपनी खोज को अंजाम देने के बाद जब उन्होंने दुनिया भर को यह बात बताई तो सब में जैसे एक अलग ही जोश उठ गया, जिससे यह बात आग की तरह फैल गई, और काफी सालों बाद नई टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन की वजह से यह पाया गया कि 1790 के उस रात को विलियम हर्शल ने जिस आकाशगंगा की खोज करी थी वो कोई सामान्य आकाशगंगा नहीं था, बल्कि उसका आकार इतना बड़ा था कि उसके आकार की आकाशगंगा को कभी मानव सभ्यता ने इतिहास में भी नहीं देखा था। और इसी के चलते IC 1101 को इंसानों द्वारा खोजी गई ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा का ओहदा दिया गया, और सर विलियम हर्शल को इसके खोजकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनमो के बारे में बताऊंगा। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे US डॉलर्स और यूरो वगैरह पे भी, और आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। मैं एक 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और थोड़ा सा वेट करते हैं एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब यह अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है, और हाँ आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो जिससे कि आपकी डिपॉजिट डबल हो जाएगी, यानी कि जैसे आप 400 रुपए का टॉपअप कीजिए और 800 रुपए पाइए। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बायनमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटजीज प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जितना आप एक्सपीरियंस होंगे उतनी आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपके कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स आज ही बायनमो डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हाय, मैं बिन्नो मिस्ट आर यू। 1790 के उस दिन से लेकर दिन बीते, साल बीते, दशक बीते और सदियां भी बीती, लेकिन उनके द्वारा की गई खोज अभी भी चरम पर ही रही। फिर साल 1991 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जब उनके द्वारा खोजी गई सबसे बड़ी आकाशगंगा की तस्वीर खींची, तब एक बार फिर से उनका नाम काफी उठ गया, और उस तस्वीर के बाद तो मानो जैसे ठप्पा लग गया था कि अब इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाएगा। और ठप्पा लगे भी क्यों ना, आखिरकार उसका साइज ही इतना बड़ा जो था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक IC-1101 का रेडियस तकरीबन 2 मिलियन प्रकाश वर्ष के बराबर था। और केवल यही नहीं बल्कि ऐसा माना जा रहा था कि इस गैलेक्सी के अंदर तकरीबन 100 ट्रिलियन तारे मौजूद थे। अब इस डेटा को अगर हम हमारी घरेलू गैलेक्सी मिल्की वे से कंपेयर करें तो हम कहीं भी इसके आसपास भी नहीं दिखते, क्योंकि हमारी पूरी मिल्की वे का रेडियस सिर्फ और सिर्फ 50,000 प्रकाश वर्ष के बराबर है, जिसका मतलब कि IC-1101 के अंदर हमारे जैसे 400 आकाश गंगाएं बड़े आराम से आ सकती है। वहीं अगर इसके एग्जैक्ट वजन की बात करें तो ये तकरीबन 25 लाख अरब सोलर मासेस के बराबर है। यानी कि अगर एक तराजू के एक पलड़े में सिर्फ IC-1101 को रखा जाए और दूसरे पलड़े में 1250 मिल्की वेज को, तो इसके बावजूद IC-1101 का वजन ज्यादा ही निकलेगा। तो सोचिए इतनी विशाल काय थी IC-1101 और इसी वजह से उसे इतना अविश्वसनीय माना जा रहा था। लेकिन वैज्ञानिक धीरे धीरे इस पर स्टडी कर रहे थे और इस बात पर यकीन कर ही रहे थे कि हाँ, ऐसी भी कोई गैलेक्सी एग्जिस्ट कर सकती है, कि तभी उनकी खोज में एक नया ट्विस्ट आया, जिसके तहत उन्होंने फिर से एक ऐसी गैलेक्सी को खोज लिया जो आकार के मामले में IC-1101 को भी बहुत पीछे छोड़ रही थी। और कंपटीशन में नई नवेली आई इस गैलेक्सी का नाम था अल्कियोनेस, और यह आकार में बड़े होने के साथ साथ इतनी पेचीदा थी कि नासा के खतरनाक लोग भी इसको देख कर हैरान रह गए थे। आखिरकार नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। खैर, मजाक साइड में रखते हैं और अब रियल डेटा पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू नासा, फरवरी 2022 में उनके द्वारा खोजी गई अल्कियोनेस आकार के मामले में 16 मिलियन प्रकाश वर्ष बड़ी है, यानी कि पिछली टाइटल होल्डर IC-1101 से तकरीबन 4 गुना ज्यादा विशाल का है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर हम लोग रेडियस की नहीं बल्कि विड्थ की बात कर रहे हैं, और IC-1101 का डायामीटर 4 मिलियन प्रकाश वर्ष के बराबर था, और इसी गणित से कुछ इस प्रकार का आंकड़ा हमें देखने को मिलता है। लेकिन वैज्ञानिकों को इस बात ने हैरान नहीं किया कि आखिर इतनी बड़ी कोई गैलेक्सी कैसे एग्जिस्ट कर रही है, बल्कि उनको तो इस बात ने हैरान किया कि इस रेडियो गैलेक्सी के अंदर IC-1101 से भी कम विजिबल मैटर मौजूद है। अब दोस्तों, एक गैलेक्सी और एक रेडियो गैलेक्सी के बीच में कोई बहुत बड़ा ज्यादा अंतर नहीं होता, बल्कि फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि एक रेडियो गैलेक्सी रेडिएशन को रेडियो वेव्स या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी के रूप में एमिट करती है। नेदरलैंड के लेडेन ऑब्जर्वेटरी में चल रही इस रिसर्च के लीड रिसर्चर मार्टिन ओई ने यह बयान दिया है कि उनके हिसाब से इस गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जो कि इतना बड़ा है कि शायद हमने उसके आकार की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब अगर आप अल्कियोनेस की साफ तस्वीर को एक बार गौर से देखेंगे तो आपको इसमें एक ही चीज आइडेंटिकल दिखाई देगी, और वो है इसकी दो रेज, जो मानो जैसे इस गैलेक्सी के सेंटर से सीधा बाहर की ओर निकल रही है। गैलेक्सी के सेंटर से निकलने वाली ये दो कॉस्मिक रेज ही वो सोर्स है जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को दुनिया के सामने रखा है, क्योंकि किसी इतने बड़े गैलेक्सी जैसे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट को बांध कर रखना ब्लैक होल जैसे किसी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट की ही हैसियत में आता है। और दूसरी चीज, प्लाज्मा से भरी हुई इन स्ट्रेट रेज को रिलीज करना भी अभी तक ब्लैक होल के ही कैरेक्टरिस्टिक्स में गिना जाता है, जिससे वैज्ञानिकों को सिर्फ यही आशंका लग रही है कि इस गैलेक्सी के बीचों बीच एक इतना बड़ा ब्लैक होल मौजूद है कि वो अपनी ग्रेविटी के चलते ही आकाश गंगा का लगभग सारा दारोमदार अपने कंधों पर उठाए हुए है। अब दोस्तों, आपके जितना शौक ही वैज्ञानिकों को भी इसके बारे में जानने पर लगा था, क्योंकि जहां इसका आकार इतना ज्यादा बड़ा है वहीं इसका वजन मिल्की वे का भी आधा है, और इसके स्ट्रक्चर में दिख रहा अंधेरा इस फैक्ट को अपने आप ही जस्टिफाई कर रहा है। हालांकि इस सवाल का जवाब अभी भले ही ना मिल पाया हो, पर इसके आकार को लेकर कुछ थ्योरीज अभी से ही आ चुकी है, जिनमें से दो इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर है। नंबर वन और सबसे ट्रस्टवर्दी थियोरी तो यह है कि इस गैलेक्सी के आसपास और अंदर मौजूद सारा मैटर डेंसिटी के मामले में इतना निचले स्तर पर है कि किसी भी तरह के ब्लैक होल को उसको बांध कर रखना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस बात को चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अब अगर आप 40 किलो के हैं और आपको दोनों हाथों से 30 किलो का सिलेंडर उठाने को कहा जाए तो आपको अच्छी खासी मेहनत लग जाएगी, और हो सकता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद आप इस काम को करने में असफल भी हो जाए। लेकिन वहीं अगर आप 100-100 ग्राम वाले चॉकलेट के 30 से 40 डब्बों को उठा रहे होंगे तो वह आपके लिए शायद इतनी मुश्किल बात नहीं रहेगी, और आप बड़ी आसानी से उसे अंजाम भी दे पाएंगे। अब कुछ यही कंडीशन इस सिनेरियो में भी है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद आसपास की सराउंडिंग में लो डेंसिटी होने की वजह से यह गैलेक्सी अभी भी सस्टेनेबिलिटी के साथ एग्जिस्ट कर पा रही है।
वही हमारी दूसरी थियरी ये कहती है कि इस गैलेक्सी के अंदर किसी अलग तरह का डार्क मैटर भी पाया जा सकता है, जिसके बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और आपस में मैटर्स को बाइंड करने की कैपेबिलिटी इतनी अच्छी होगी कि यह गैलेक्सी विजिबल मैटर ना होने के बावजूद अच्छे से एक बॉन्ड बनाकर अनंत ब्रह्मांड में बिना किसी को तकलीफ दिए अभी भी सर्वाइव कर रही है। लेकिन क्योंकि ये पार्टिकल डार्क मैटर का ही कोई वेरिएंट है, इसीलिए हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है और हम इसी वजह से पहली नजर में इसको देखकर रहस्यों से भरे जा रहे हैं। हालांकि अब कारण चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पर आने वाले समय में जैसे जैसे इसमें और भी नई गतिविधियां देखने को मिलेंगी, तब हम लोग उन्हीं गतिविधियों को प्रमाण मानकर इसका भी कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लेंगे। और जिस तरह से टैकियन पार्टिकल से लेकर अलग अलग टेक्नोलॉजीज की हम लोग खोज कर रहे हैं, मुझे तो यही लगता है कि कहीं वो दिन ही ना आ जाए जब हम लोग रहस्यों से जूझने की बजाय सीधा उस आकाशगंगा पर तस्वीर खींचने की जगह पता लगाने ही चल जाएंगे। हालांकि आपको क्या लगता है, इस विशालकाय आकाशगंगा को ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति जोड़ के रखी है जिसके रहस्य के बारे में किसी को भी पता नहीं चल रहा है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।